चांगली गोष्ट आहे. त्याच्याबद्दल मी आनंद व्यक्त करतो. उद्धव ठाकरे सगळ्यांचेच नेते आहेत, शिवसेनेचे नेते आहेत, महाराष्ट्राचे नेते आहेत, देशातल्या तमाम हिंदूंचे नेते आहेत. चला त्याच्याविषयी मी बोलणार नाही. आमचे प्रतोद किंवा आमचे विधानसभेतले जे प्रमुख आहेत ते बोलतील. फिलहाल शिवसेना नेता संजय राऊत को ये सवाल पूछा गया है कि आप ये जो लीगल बैटल अभी चलेगी शिवसेना वर्सेस शिवसेना की, उसके ऊपर कुछ कमेंट किए. उन्होंने कहा कि हमारे जो लीगल सेल के लोग हैं वो और विधान भवन के हमारे जो व्हीप है वो उसके ऊपर बात करेंगे. एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था, इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया. देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती है. तमिलनाडु में हुई है, उड़ीसा में भी करने की कोशिश की थी और भी राज्यों में हुई है. राजनीति में इस प्रकार की नई बात नहीं है. लेकिन सर जो उम्मीद है फडणवीस की, जो ऐसा कहा जा रहा है फडणवीस सीएम बने आखिरी समय तक, बात ऐसी है कि वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री करना है किसको नहीं करना है. मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी भी आदेश पर चलती है. हाईकमान के एक आदेश आया और फडणवीस जी ने स्वीकार किया. शिंदे साहब को सीएम बनाने के पीछे एक रणनीति क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए मास्टर संगठन कोई भी हो सकता है, संगठन को कमजोर. देखो रणनीति हो या कूटनीति हो हमें उससे कोई मतलब नहीं. एक सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस सरकार को महाराष्ट्र के हित के लिए महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हुए इसलिए हम हमारी शुभकामनाएं देते हैं. आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा संगठन कभी कमजोर हुआ है. सर जो नाराज शिव सैनिक है क्या अब उससे खुश हो जाएंगे? कोई नाराज नहीं है. एकनाथ शिंदे गुट से जो नाराज थे, जो आप कह रहे थे कि हमने उनको रोक के रखा है, क्या अब वो लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, कोई सवाल नहीं है. सर एकनाथ शिंदे खुद को आज भी शिवसेना का ही कह रहे हैं, खुद को शिवसेना ही कह रहे हैं. अगर वो व्हीप निकालते हैं तो क्या? जब तक को खुद को शिवसेना का ही कहेंगे तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाए. राव साहब क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे जी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम किया है? तो उनका मामला है, उनके पार्टी के विधायक 120 126 है, वो निर्णय लेंगे किसको मुख्यमंत्री करना है नहीं करना है. मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी इसलिए ये रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने उठाई. लेकिन अब एक सरकार अगर बनी है तो उसके ऊपर चर्चा करना फजूल की बात है. सर सर आखिरी सवाल, सर आखिरी सवाल, सर आखिरी सवाल, सर 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 सर. उद्धव ठाकरे की सरकार ने अच्छा काम किया लेकिन एकनाथ शिंदे अगर खुद को शिव सैनिक कहते हैं तो मैं उन्हें शिव सैनिक नहीं मानता, ये कह रहे हैं संजय राउत. उसने मुझे समझ भेजा है और मेरा कर्तव्य है उनके सामने पेश होकर उनसे कोऑपरेट करना. मैं देश का नागरिक हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लॉ मेकर हूँ, तो मैं कानून का सम्मान करता हूँ. मुझे मालूम है ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है, लेकिन आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आज मैं एक समन्स के ऊपर वहाँ जा रहा हूँ. कोई चिंता, कोई घबराहट हो रही है सर आपको? आपने देखा मेरे चेहरे पर, मैंने पहले भी कहा है अगर पॉलिटिकल दबाव में अगर हमारे जैसे लोगों पर एक्शन होती है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ. इमरजेंसी में आपातकाल में यही हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी से लेकर विजयराजे सिंधिया जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे सब बड़े बड़े कार्यकर्ता और लोग जेल में जाकर दो दो साल तक बैठे थे, गए थे और बाद में छूट कर आए तो देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ था. जी सर, की तैयारी मन में रख के जा रहे हैं? मैं मेरे जैसा कार्यकर्ता जो है वो सभी बातों की और सभी संभावना की तैयारी करके ही जाता है. तो शिवसेना के सांसद संजय राउत को आप सुन रहे थे. आज सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर में उन्हें पेश होना है और जमीन घोटाला मामले में उनसे होनी है पूछताछ. और उससे पहले संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और बताते हुए कि शिवसेना को तोड़ने की साजिश रची गई और यह भी कह रहे हैं कि लोगों को यह नहीं समझना चाहिए कि बीजेपी ने किसी शिव सैनिक को सीएम बनाया है क्योंकि मैं उन्हें शिव सैनिक नहीं मानता.